कार से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मन की बात में जिक्र किया हर घर तिरंगा, जो 2022 से शुरू किया गया हर घर तिरंगा। आप सब जानते हैं कि 370 जब हटी नहीं थी उससे पहले इस जम्मू कश्मीर में एक झंडा और लगाया जाता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कहती आ रही है कि एक देश में दो विधान दो निशान दो संविधान नहीं चलेगा। 5 अगस्त 2019 को हमने 370 को निरस्त कर सिर्फ यही संदेश दिया कि इस देश में सिर्फ एक ही झंडा चलेगा, वो होगा तिरंगा। आप सब ने देखा यहाँ तिरंगे का अपमान जम्मू कश्मीर में किया जाता था, उसको जलाया जाता था। आज वो सारी चीज़ें खत्म होकर सिर्फ एक ही झंडा दिखता है तिरंगा, और वो तिरंगा जो कश्मीर घाटी में लाल चौक में कभी लहराने नहीं दिया जाता था। अगर कोई झंडा लहराता था उसको गोली मार दी जाती थी, लेकिन आज ऐसा माहौल यहाँ से खत्म हो चुका है और कश्मीर के लाल चौक में आज तिरंगा ही तिरंगा दिखाई देता है। तो 2022 से भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर घर तिरंगा झंडा अभियान को लेकर संकल्प लिया, और हजारों कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प को लेकर हर घर तिरंगा अभियान जन जन तक 2022 में पहुँचाया। आप सब जानते हैं कि 2022 में हर घर तिरंगा .com एक साइट है, उस पर 6 करोड़ लोगों ने सेल्फी विद तिरंगा लेकर अपना फोटो वहां लगाया और वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। 2023 में 10 करोड़ लोगों ने सेल्फी विद तिरंगा को लेकर वहां पे फोटो अपनी अपलोड की और वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कठुआ भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आम जनमानस तक जाएगी। बाइक फॉर तिरंगा रैली, वॉक फॉर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा, हर घर तिरंगा, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर हम हर जनमानस तक जाएंगे। ये कार्यक्रम 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक किया जाएगा। इसके बीच में एक बड़ी बाइक रैली की जाएगी, इसके बीच में तिरंगे के लिए मार्च किया जाएगा, इसके लिए तिरंगे को लेकर सुबह एक मैराथन की जाएगी। तो हम इस अभियान को लेकर गांव-गांव जाएंगे ताकि जो तिरंगा हमारी शान है, इस देश की शान है, जिसके लिए हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान की, आज वो दिन है कि हम उन्हें याद करें। इस तिरंगे को हम उन लोगों के घर जाकर उनको वेट करेंगे जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, जो करगिल में शहीद हुए। ऐसे शहीद परिवारों में हम सब जाकर तिरंगा वेट करेंगे और उनको याद करेंगे। इसी के साथ जितने भी शहीदी स्मारक इस कठुआ में बने हैं उसको साफ सफाई कर वहां पर वजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। और मैं कठुआ की जनता की से ये आग्रह करता हूँ सारी आवाम से कि आप सब लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, अपने छत पर तिरंगा लाएं, इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। और मैं सभी जितने भी कठुआ के एनजीओस हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, एथलीट क्लब हैं, या फिर जो कीर्तन मंडली जो मंदिर में जाकर कीर्तन करती है, उन सब से आग्रह करूँगा कि आप एक तिरंगा रैली निकालें गाँव गाँव गली गली, ताकि देश के प्रति प्यार, इस तिरंगे के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति में जगे। यही हमारा संकल्प है इस तिरंगा यात्रा को लेकर। मैं बहुत गर्व और खुशी महसूस करता हूं कि हमें ऐसा दिन मनाने को मिला, जिस तरह से हम दिवाली होली हर त्यौहार को मनाते हैं, इसी तरह 15 अगस्त को भी हमें इस त्यौहार को लेकर मनाना चाहिए, ताकि वो लोग गर्व हो उन लोगों को जिनके परिवार से कोई सदस्य इस देश के लिए शहीद हुआ, इस तिरंगे के लिए जान दी, चाहे वो करगिल युद्ध के योद्धा थे या फिर 1947 के। तो इसी अभियान को लेकर हम आम जनमानस तक जाएंगे। एक बार फिर मेरा मीडिया के माध्यम से पूरी कठुआ की जनता को आग्रह है कि आप इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने छत पर तिरंगा लगाएं, अपने व्यवसाय स्थान पर तिरंगा लगाएं, अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाएं और इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार से आज तिरंगा पूरे विश्व में सबसे ऊपर लहरा रहा है, जिस तरह से 10वें नंबर की इकॉनमी से 5वें, 5 में से 3रे पे अभी 2024 के बाद पहुंचेगी, मुझे आशा है कि ये तिरंगा का सम्मान और बढ़ेगा। ये तब बढ़ेगा जब आप सब लोग मिलकर इस तिरंगे के लिए अभियान छेड़ेंगे और अपने घर पे तिरंगा लगाएंगे। और मेरे साथ सुदर्शन जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी बात मीडिया में रखें। धन्यवाद। मैं आज मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ मेरे छोटे भाई देश मेहता जी और हमारे सीनियर नेता सलाथिया साहब बैठे हैं। ये हमारा अभियान इन 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तिरंगा, घर घर में तिरंगा। और ये तिरंगे का आपने देख लिया, यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था उस जिसके हाथ में वो तिरंगा था उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। और पाकिस्तान, इवन के आपने देखा होगा, पाकिस्तान
में जो लोग यूक्रेन में रहते थे उनके हाथ में भी जो तिरंगा था हमारे देश का, तो उनका भी मान बढ़ाया और उनका भी भाल बंका नहीं हुआ। तो इसे आपने देखा, जैसे मेरे भाई ने बोला कि जो कहते थे कि अगर 370 और 35 ये टूट गया तो अस्थि उठाने वाला नहीं होगा, झंडा उठाने वाला नहीं होगा। आज आप कश्मीर में देखिए हमारे युवा, मैं उनकी सराहना करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज वो लाल चौक में, पंथा चौक में, या जितने भी चौक हैं, जितना भी एरिया है कश्मीर वैली में, वो तिरंगा उठाकर चल रहे हैं। उनको मैं सलाम करता हूं, ऐसे युवाओं को, ऐसे बुजुर्गों को, माता और बहनों को। तो हमारा जो ये तिरंगा जो अभियान है ये 15 अगस्त तक, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनम्र धन्यवाद भी करता हूँ कि आप गाड़ी पे झंडा लगाएं, दुकान पे झंडा लगाएं, अपने मकान पे झंडा लगाएं, ताकि इस झंडे को कहते हैं ना कि ऊंचा रहे तिरंगा हमारा। तो मैं यही कहता हूं कि ये तिरंगा हमारा ऊंचा रहे, इस तिरंगे के लिए जैसे हमारे वीर क्रांतिकारी वीरों ने शहादत पाई है, जैसे भक्त सिंह, राजगुरु, सुखदेव, शफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जी, और उनमें से एक छोटा मेरा प्यारा भाई जैसा 18 साल का खुदीराम बोस, जिसने इस तिरंगे के लिए उन लोगों के दांत खट्टे करवा दिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप लोगों को सभी से विनम्र विनती है कि अपने घर में जरूर तिरंगा लगाएं, और हमारी जो लगेट मोड़ में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस खुला हुआ है, तो वहां से भी अगर किसी ने झंडा लेना है तो वो ले सकता है। मैं हम वो दरवाजे उनके लिए हर वक्त खुले हैं, वो झंडा लेकर वो अपने मकान पे लगाए। मैं इन शब्दों के साथ आप सभी बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। पार्टी जिला कठुआ की जनरल सेक्रेटरी हमारे मेहता जी, राजेश मेहता जी, और इस तिरंगा अभियान के कन्वीनर कठुआ के हमारे सरपंच सुदर्शन जी, अभी राजेश मेहता जी ने बड़े विस्तार से आपको ये चीज़ें बताई है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का क्या कार्यक्रम रहेगा इस तिरंगा अभियान का, जो 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। मगर सबसे बड़ी बात है कि हमें गर्व होता है कि जब इस तिरंगे की आन बान शान, जब हमारे हमारे मकानों के कोठों पे, हमारे बिजनेस प्रतिष्ठान के ऊपर जब ये फहराता है, और जब ये प्रधानमंत्री हमारे जो हमारी संसद है उसके ऊपर, या हमारे जो प्रेसिडेंट हाउस है उनके ऊपर जब ये फहराया जाता है, तो ये एक लगता है कि हमें अंदर से ही हमारे एक विश्वास और उसका ये बुलबुला पैदा होता है। इस तिरंगे के कारण 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत सी लोगों की कुर्बानियाँ गई, और इस उस जिनकी कुर्बानियाँ गई उनको उसी झंडे में, जो आज ये झंडा जो हम फहराते हैं, उन्हीं के ऊपर ये झंडा फहराया गया, दफनाया गया, उनको जलाया गया, क्योंकि उसमें सभी धर्मों ने, चाहे वो मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिख थे, या पारसी थे, जितने भी या एससी के लोग थे, उन्होंने भी शहादत दी थी। तो इस झंडे की आन बान शान को बनाने के लिए सभी का खून इसमें बहा गया है। मगर जम्मू कश्मीर में जब ये बात आती थी कि दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, दो इसके ये नहीं चलेंगे, संविधान नहीं चलेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना 70 साल पहले ही ये मैनिफेस्टो में दे दिया था कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम सबसे पहले 370 को हटाएंगे। वो 370 का हटाना ये तो कांग्रेस ने भी कहा था, आज मुझे समझ नहीं आती है कि कांग्रेस ने भी इसको कहा था कि घिसते घिसते ये कानून घिस जाएगा 370। मगर अफसोस होता है कि जब 5 अगस्त को जब हम ये खुशियां मना रहे थे कि 370 को हटाया गया, और उस समय कांग्रेस और उसके अलायंस जो इंडी गठबंधन है वो उसको ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा था, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस एक तरफ नारा कुछ लगाती है और कहती कुछ है। मुझे समझ नहीं आती कि उनका स्टैंड क्या है इस 370 के लिए, आज भी वो चीज़ का पता नहीं चल रहा है। और बाकी जो पार्टी हैं यहाँ, जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो, उनकी मजबूरी रही होगी, मगर कांग्रेस की मजबूरी तो नहीं रहनी चाहिए थी। तो हमारा ये अभियान जो 2022 से ये चल रहा है, हर घर तिरंगा, हम 15 अगस्त के ऊपर सब लोगों के घरों से इससे पहले तिरंगा यात्राएं निकाली जाती हैं जैसे बताया गया,
बहुत सी चीज़ें ऐसी की जाएंगी। अभी हम शहीदों के परिवारों के उनके घर भी जाएंगे, जहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापना हुई है उनको वहाँ पर हम श्रद्धांजलि भी देंगे। हम युवाओं को भी आह्वान करते हैं इसके माध्यम से कि ये तिरंगे के लिए आप तिरंगा रैलीज निकालें, तिरंगा यात्रा निकालें, लोगों को अवेयर करें